इसलिए बेहतर ये होगा कि आप इस मौजू पर तवज्जो दें और आर्बिट्रेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट रिलेटिंग टू द लॉ है क्योंकि ये एक पैरेलल प्रोसीजर है जो कोर्ट के अलावा कानून हमें दे रहा है. आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर पहला सवाल ये है कि क्यों मुकर्रर किया गया. आर्बिट्रेशन इसलिए जरूरी है. इसकी दो तीन वजूहात. पहली वजह तो ये है कि लोगों को अपने चॉइस के मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मामलात के फैसले करने का हक दे दिया गया. लिहाजा अगर दोनों फरीके चाहें कि उनकी बात किसी अदालत में जाने की बजाय किसी अपनी मर्जी के शख्स के पास चली जाए तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आर्बिट्रेशन का आर्बिट्रेशन एक्ट का बुनियादी मकसद यह है कि मामलात को अपनी मर्जी के जजेस के हवाले कर दिया जाए. जिस पर दोनों फरीक मुत्तफिक हो जाएं उस शख्स को अपना आर्बिट्रेटर मुकर्रर करना. और दूसरी वजह यह है कि अगर आप लोगों के मसाइल लोगों के हद तक ही रखेंगे तो कोर्ट्स पर प्रेशर भी पड़ेगा. अदालतों पर ज़्यादा काम का बोझ नहीं होगा जब आप अपने आम मामलों को आर्बिट्रेशन के जरिए सॉल्व कर दें. तीसरा फायदा ये होगा कि इसमें अखराजात कम आएंगे. मुकदमात में बहुत ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं लेकिन आर्बिट्रेशन में आपके अखराजात और अखराजात न होने का फायदा यह है कि आपकी ये परवज नहीं पड़ता. लिहाजा आर्बिट्रेशन इस लिहाज से जरूरी है. और एक मकसद इसका यह है कि आप लोग अपनी हर वो बात जो अदालत में नहीं कर सकते जो कानून के दायरे में रहकर नहीं कर सकते आप ओपनली अपने आर्बिट्रेटर को बता सकते हैं. अब उसका ये काम होगा कि वो चुन ले कि कौन कौन से मामला जो इसने बताए हैं वो मेरे लिए रेलिवेंट हैं कौन कौन से एडमिसेबल हैं ये अपने दायरे में लाकर उसका फैसला करते हैं. लिहाजा आर्बिट्रेशन एक इतना अच्छा कानून है जो लोगों को मसाइल से छुटकारा दिलाने की मदद करता है. अभी आर्बिट्रेशन पर आज जो असाइनमेंट मुझे दी है वो है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेटर. इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो है आठ. रेफरेंस एग्रीमेंट, उसके बाद प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट आर इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, पीरियड फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ अवार्ड, ग्राउंड एंड स्टेज फॉर रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेटर, ग्राउंड फॉर सेटिंग असाइड अवार्ड, प्रोसेस ऑफ मेकिंग रूल ऑफ द कोर्ट. ये इस अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेटर से मुतल्लिक उनवानात हैं जिन्हें एक एक करके हम जेर गुफ्तगू लेकर आएंगे. पहला है रेफरेंस एग्रीमेंट. रेफरेंस एग्रीमेंट की ज़रूरत यह है कि जब आप किसी शख्स को मुकर्रर कर रहे हैं तो उसे अनफेटर्ड पावर्स नहीं देंगे. अगर उसको अनफेटर्ड पावर दे दें तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का कोई एंड नहीं होगा. इसलिए उसको आपने एक दायरे में रखना है और उसको वो इख्तियार तफवीज कर लें जिनके लिए आप अपने मामलात को तय कराना चाहते हैं. इसके लिए कानून ये कहता है कि आप जबानी तौर पर उन मामलात को तय नहीं कर सकते. लिहाजा आपको पहले एग्री करना होगा फरीकैन को
कि आपने किस किस मामले को आर्बिट्रेटर के हवाले करना है, जिस जिस मामले को, जिस जिस अमर तन की तलब को आप आर्बिट्रेटर के हवाले करेंगे वो अमर आप अपने एग्रीमेंट में तहरीर कर देंगे। लिहाजा इसे हम रेफरेंस एग्रीमेंट कहते हैं कि ये मामलात को रिफर करता है आर्बिट्रेटर के पास। इसके बारे में एक अथॉरिटी आपको दे रहा हूं, 1987 CLC पेज 2509, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिक्वायरमेंट्स। देर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट दैट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट देर शुड बी फॉर्मल एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टीज, बट वॉट इज रिक्वायर्ड इज दैट द एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर और अदर डॉक्यूमेंट provided it depicts the voluntary agreement between the parties to resolve present or future differences through arbitration। अब इसमें जो बातें इस अथॉरिटी में की गई हैं उनको आपने गौर से देखा। पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनता कैसे है? एग्रीमेंट बनता इस तरीके से है, इट शुड बी इन राइटिंग। इसके मानी ये है कि जबानी एग्रीमेंट से रेफरेंस नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहे कि जी हमने जबानी तौर पे ये तय कर लिया था कि फला आदमी हमारा सालिस होगा तो कानून उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। कानून ये कहता है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग। अगर राइटिंग नहीं है तो फिर वो रेफरेंस एग्रीमेंट नहीं है। और कोई फरीक उस ऐसे एग्रीमेंट पर दिए गए अवार्ड का पाबंद नहीं है जो तहरीर में नहीं। एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है कि ये पार्टीज की डिस्प्यूट को रिफर कर रहा हूं, यानी दो पार्टियों के दरमियान डिस्प्यूट का होना जरूरी है। अगर डिस्प्यूट नहीं है तो आर्बिट्रेशन नहीं है, रेफरेंस एग्रीमेंट नहीं है। एक इसके लिए कोई फॉर्म मुकर्रर नहीं, इसके लिए कोई तरीका मुकर्रर नहीं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट एक ही है, इट शुड बी इन राइटिंग। और अगर इन राइटिंग नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं है, अगर इन राइटिंग है तो कोई भी फॉर्म हो इसका, कोई मटेरियल है फॉर्म। लिहाजा बेसिक प्रिंसिपल इसका यह है कि रेफरेंस एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग, शुड बी डिपिक्टिंग द मैटर इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज, और डिफरेंस जो पार्टीज के हैं उसको ये बयान करें और रिफर करें कि आपने ये तय करो। एक अहम बात जो इसमें है वो ये है कि रेफरेंस एग्रीमेंट किसी क्रिमिनल लाइबिलिटी पर नहीं होता। देयर कैन बी नो रेफरेंस एग्रीमेंट टू डिटरमिन द क्रिमिनल लाइबिलिटी। ये तय करने के लिए कि ये आदमी चोर है या नहीं, रेफरेंस एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ये बात तय करने के लिए कि इस शख्स ने कोई फौजदारी जुर्म किया है या नहीं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ये होता है सिर्फ उन राइट्स जो सिविल नेचर के हैं उनकी डिटर्मिनेशन के लिए रेफरेंस एग्रीमेंट होगा। एक और अथॉरिटी 2009 BLA 1109, एक्सप्रेशन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट विद इन द कंटेम्पलेशन ऑफ सेक्शन 2A आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 मीन्स ए रिटन एग्रीमेंट टू सबमिट प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंसेस टू आर्बिट्रेटर वेदर एन आर्बिट्रेटर इज नेम देयर इन आर नॉट। Arbitration agreement or an arbitration clause in an agreement is like an agreement between parties which required that same should be executed with the consent of parties competent to contract. Contracting parties must be shown to be ad litem with reference to essential terms of contract. Contract would fail if there was any vagueness or uncertainty incapable of being made certain.
2003/1109. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपने इसको मद्देनजर रखना है कि इस सेक्शन के तहत ये प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंसेस को भी आर्बिट्रेशन के हवाले किया जा सकता है. वो कौन सी होगी फ्यूचर? आमतौर पे आपने देखा होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन वन कंपनी एंड द अदर, बिटवीन ए कंपनी एंड द स्टेट, बिटवीन ए कंपनी एंड विद ए पर्सन और विद ए पर्सन विद अनदर पर्सन. उन एग्रीमेंट्स में, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में हर पार्टी अपना पार्ट प्ले करती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी बता रही होती हैं कि फलां पार्टी ने ये काम करना है, दूसरी पार्टी ने ये काम करना है. हर पार्टी ने अपनी लायबिलिटी को पूरा करना है, लेकिन उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए पीरियड मुकर्रर कर देते हैं कि ये 2 साल में करेंगे, 5 साल में करेंगे, 10 साल में करेंगे, 6 माह में करेंगे या अनलिमिटेड टाइम हो, टाइम मौजूद ना हो, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट ने कंटिन्यू करना है और उसकी कंटिन्यूस के दौरान कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में इन एडवांस लिख दिया जाता है कि ऑल डिस्प्यूट्स विच मे अराइज बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी रिफर्ड टू एन आर्बिट्रेटर. अब वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाना भी रेफरेंस एग्रीमेंट है. अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज दे दिया कि जब दीज आर द लाइबिलिटीज ए, दीज आर द लाइबिलिटीज ऑफ बी, ये पार्ट इसने परफॉर्म करना, ये इसने परफॉर्म करना, बट इफ ए डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन देम एन आर्बिट्रेटर शैल बी अपॉइंटेड. अब यहां 2 सवाल पैदा हो गए कि आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है, नाम नहीं दिया उसका कौन करना है. इवन देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, अगर नेम्ड है तब भी और नेम्ड नहीं है तब भी. अगर आपने नेम कर दिया वैलिड पर, फिर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि ना ये चीफ इंजीनियर शैल डिसाइड द मैटर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शैल डिसाइड द मैटर, ओथ कमीशन विल डिसाइड द मैटर. किसी का भी आप नेम कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. अब अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने किसी को नेम नहीं किया तो फिर क्या होगा? उसके लिए कानून में 2 सूरतें मौजूद हैं. एक सूरत यह है कि विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज आप आर्बिट्रेटर बना रहे, एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस दे रहे कि इस एग्रीमेंट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद है और एक डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी अराइज हो चुकी है, ना इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वी वॉन्ट टू रिफर द मैटर टू द आर्बिट्रेटर, लिहाजा आप इसको रिफर कर सकते. अगर दोनों किसी आर्बिट्रेटर पर एग्री कर जाते हैं तो फिर उसके बाद ही विल एंटर इनटू द रेफरेंस. लेकिन अगर वो एग्री नहीं करते तो फिर क्या होगा? फिर उसके लिए आर्बिट्रेशन एग्री करता है कि यू मे रिजॉर्ट टू द कोर्ट टू अपॉइंट द आर्बिट्रेटर विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, यानी आर्बिट्रेटर अदालत की इंटरवेंशन से कहा जाए. इसके लिए सेक्शन 8 और सेक्शन 20 आर्बिट्रेशन एक्ट मौजूद है कि वंस यू सर्व ए नोटिस ऑन द अदर पार्टी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर एंड द पार्टी फेल टू एग्री ऑन वन आर्बिट्रेटर देन दे मे रिजॉल्व टू द कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट. लिहाजा ऐसी सूरत में अपॉइंट ऑफ आर्बिट्रेटर थ्रू कोर्ट हो जाएगी. इससे आगे सर, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मस्ट बी शोन टू बी एड आइटम विद रेफरेंस टू एसेंशियल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट वुड फेल इफ देयर वॉज एनी वेगनेस आर अनसर्टेनिटी, यानी इस एग्रीमेंट को ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड फॉर अनसर्टेनिटी. अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी अनसर्टन है तो भी वाइड हो जाएगा और पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट जैसे हैं वैसी पार्टीज टू द रेफरेंस एग्रीमेंट होनी चाहिए.
that all the provisions of the contract act shall be applicable to the reference act. अगर कोई वॉयलेटिव है तो उसका वही इफेक्ट होगा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता रहा है अंडर कॉशन है अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस है अंडर फिड्यूशियल रिलेशनशिप है विद ए माइनर है ये जो इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उन कॉन्ट्रैक्ट्स का है वही इसका इफेक्ट इस पर होना है तो लिहाजा अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के सबसे पहली बात आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट अब आर्बिट्रेटर जो है क्या वो जज है ये एक बड़ा अहम सवाल है कोर्ट कैन नॉट सिट इन द जजमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर अदालत आर्बिट्रेटर का काम नहीं करेगी उसने अपना काम खुद करना है लिहाजा क्या वो जज है He is not a judge in the strict sense. क्योंकि उसने adjudication नहीं करनी लेकिन he is a judge of the cause which has been referred to him. उस हद तक उसने award देना है जो matters को कर दिया गया है इस पर authority है 2007 CLC 751 Arbitration has been defined to resolve differences through judges appointed out of the choice of parties. हम कोर्ट में जाने की बजाय आर्बिट्रेटर के पास चले गए आर्बिट्रेटर को कोर्ट तस्लीम नहीं किया गया लेकिन जज मान लिया गया इज ए जज फॉर दैट कॉज Court is an authority who is competent to record the evidence and to decide the matter within the prescribed limits of law under the authority of the law. Arbitrator ki bhi ye tamam baatein maujood hain, lekin arbitrator jo evidence record kar raha hai, so he is not a court. Court na hone ke baawajood इस पे ये कह दिया गया कि ही इज अ जज ऑफ द चॉइस ऑफ द पार्टीज लेकिन जो कोर्ट का जज है वो चॉइस ऑफ पार्टीज नहीं है यहां पे चॉइस ऑफ द पार्टीज है लिहाजा आर्बिट्रेशन में जो जज है वो पार्टीज के चॉइस से मुकर्रर कर दिया जाता है अब जब आपने चॉइस दे दिया तो फिर आपको वन साइडेड अफेयर नहीं है आप इसको रिमूव नहीं कर सकते Removal of arbitrator, arbitrary is not allowed. इससे आगे है, it is a settlement of a dispute by the decision not of a regular and ordinary court of law, but of one or more persons who are called arbitrators, whose decision the parties agree to accept. And finding whether they agree to the decision or not. He appeared in 64 Lahore, page 490. इसका मकसद ये हुआ कि जब आपने एक आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर दिया अब आर्बिट्रेटर ने उस मामले को एंटर अपॉन हो जाना है उसके बाद उसने इसकी कार्रवाई करनी है और कार्रवाई के बाद अपना अवार्ड लेना है अब किसी पार्टी को यह हक नहीं है कि वो उस आर्बिट्रेटर को रिमूव कर दे लेकिन क्या वो रिमूव नहीं हो सकता एन आर्बिट्रेटर मे बी रिमूव्ड अंडर सेक्शन 11 बाय द कोर्ट नॉट बाय द पार्टीज आर्बिट्रेटर की रिमूवल के लिए सेक्शन 11 में कोर्ट में जाना पड़ेगा कि इस इन वजूहात की बिना पर हम इसको आर्बिट्रेटर नहीं रखना चाहते हैं जो पार्टी ने बयान करनी है लिहाजा उसको रिमूव कर दिया जाए लेकिन पार्टी जो अपॉइंट कर ले और वो इंटर अपॉन रेफरेंस हो जाए तो पार्टी उसे रिमूव करने की मजाल नहीं है अब अपॉइंटमेंट का तरीका ये बना कि पहले डिस्प्यूट होगी फिर पार्टी एग्री करेंगी फिर रेफरेंस एग्रीमेंट बनेगा उसमें वो तमाम मामला दर्ज कर दिए जाएंगे जो उसको रिफर कर रहे हैं और उसके बाद रेफरेंस एग्रीमेंट को इन राइटिंग लाना होगा
राइटिंग में आ जाएगा अब आर्बिट्रेटर विल एंटर अपॉन द रेफरेंस रेफरेंस में एंटर होने के बाद उसने दो चीजों का ख्याल रखना है ही शुड नॉट कमिट मिसकंडक्ट नंबर टू ही शुड नॉट मिसकंडक्ट इन द प्रोसीडिंग्स और तीसरे नंबर पे हिज अवार्ड शुड नॉट बी इनवैलिड यानी इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द लॉ इनवैलिड नहीं होना चाहिए इन तीन चीजों का आर्बिट्रेटर ने ख्याल रखना है अगला टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और विद इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट वो मैंने पहले बताया कि अगर आपने विदाउट इंटरवेंशन करना है तो इट शैल बी विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज द पार्टी शैल रिफर द मैटर टू द आर्बिट्रेटर थ्रू एन एग्रीमेंट इन राइटिंग अब अगर थ्रू इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट करना है तो उसके दो तरीके एक तरीका तो ये है कि आपके पास रेफरेंस एग्रीमेंट मौजूद है और एक पार्टी उस रेफरेंस एग्रीमेंट पर एग्री नहीं करती हम अपॉइंट नहीं करते हालांकि उस एग्री कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ऑल डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन द पार्टी शैल बी डिसाइडेड बाय द आर्बिट्रेटर इसके बावजूद एक पार्टी नहीं जा रही तो जो पार्टी जाना चाहेगी वो कोर्ट की इंटरवेंशन को सीख करेगी जितना भी इसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया कोर्ट क्या करेगी कोर्ट शैल इश्यू ए नोटिस टू द अदर पार्टी और कोर्ट कहेगी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कोर्ट में लाएं एंड द पार्टी ऑब्जेक्टिंग देयर टू शुड एक्सप्लेन एज टू व्हाई एन आर्बिट्रेशन शुड नॉट बी अपॉइंटेड और अगर वो सेटिस्फाई ना करे देन द कोर्ट शैल अपॉइंट आर्बिट्रेटर अब आर्बिट्रेटर का नाम तो है नहीं एग्रीमेंट में फिर कोर्ट कैसे करेगी Then the court will ask the both the parties to give the name of the arbitrators. आप भी नाम दें आप भी नाम दें उनमें से किसी को अपॉइंट कर दें और अगर दोनों ही नाम न दें then it is discretion of the court. कि with reference to the matter in controversy किसको arbitrator होना चाहिए the court shall appoint the arbitrator. और appoint करने के बाद the court shall refer the matter to the arbitrator. और उन proceeding को stop कर दें इन वेट फॉर द अवार्ड आमतौर पर जो मिस्टेक होती है वही है कि प्रोसीडिंग मुदाखलत कर दिया जाता है खारिज कर दिया जाता है कि खत्म हो गई हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए होना ही नहीं चाहिए इन द मैटर इज रिफर टू द आर्बिट्रेटर एंड टिल हिज डिसीजन कम्स द प्रोसीडिंग शुड बी स्टॉप उसके बाद 20 में वहां चले जाएंगे और उसके बाद वो अपना अवार्ड उसी तरीके से जो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट अवार्ड करने के बाद ही शैल फाइल इट इन द कोर्ट अब जब अवार्ड कोर्ट पे फाइल कर देगा देन द कोर्ट शैल अगेन सर्व नोटिस टू द पार्टीज कि द आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट हैज सबमिटेड हिज अवार्ड इन द कोर्ट एंड एनी पार्टी हु इज नॉट विलिंग एंड रेडी टू एक्सेप्ट इट should come in the court and to why it should not be made rule of the court ab is stage par jab hum in intervention ko answer kar rahe hain to jo party isko object karna chahega after service of notice wo uske khilaf uzardari zahir kar matlab in in wajuhat ki bina par hame arbitrator manzoor faisla manzoor nahi aur agar without intervention of the court तो फिर भी पार्टीज के पास दो रास्ते ओपन हैं इधर टू वेट फॉर द फाइलिंग ऑफ द अवार्ड पार्टी कोर्ट में अवार्ड फाइल करेगी एंड नोटिस शैल बी सर्व्ड ऑन नोटिस उसको दे दिया जाएगा और दूसरी सूरत यह है कि आर्बिट्रेटर ने ही उसको फोटोकॉपी दे दी या सर अवार्ड दे दिया एंड ही डज नॉट एग्री तो वो कोर्ट में खुद आ जाएगा टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ अवार्ड अब अवार्ड पर एडजुडिकेशन के लिए या तो उस पर ऑब्जेक्शन आ जाएंगे बाज औकात ये होता है कि अवार्ड पे ऑब्जेक्शन तो आ गए लेकिन अवार्ड नहीं आया कोर्ट में दाखिल नहीं होता ऐसी सूरत में द कोर्ट शैल सर्व ए नोटिस ऑन द अदर पार्टी एंड द आर्बिट्रेटर टू फाइल द अवार्ड अगर अवार्ड कोर्ट पे फाइल हो गया है
तो फिर कोर्ट कहेगी व्हाई शुड नॉट बी मेड रूल ऑफ द कोर्ट. अब जब कोर्ट ये कहती है कि व्हाई शुड नॉट बी मेड रूल ऑफ द कोर्ट, फिर क्या होगा? फिर दोनों पार्टियों में से एक पार्टी कहेगी इसको रूल ऑफ कोर्ट मत बनाए, दूसरी कहेगी शुड बी मेड रूल ऑफ द कोर्ट. अब यहां दो सूरतें हैं रूल ऑफ द कोर्ट की. एक सूरत यह है कि पार्टी खुद कोर्ट में आए और कोर्ट में आकर ये कहे जनाब कि अवार्ड दे दिया गया है एंड दिस अवार्ड शुड बी फाइल्ड बाय द आर्बिट्रेटर इन द कोर्ट एंड शुड बी मेड रूल ऑफ द कोर्ट. दूसरी सूरत यह है कि आर्बिट्रेटर खुद कोर्ट में आए, अवार्ड अनाउंस करने के बाद वो खुद एप्लीकेशन दे जनाब आई हैव प्रोनाउंस्ड अवार्ड, मैं कोर्ट में दाखिल कर रहा हूं. पार्टी शुड बी समन एंड आस्क व्हाई इट शुड नॉट बी मेड रूल ऑफ द कोर्ट. अगर आर्बिट्रेटर खुद कोर्ट में आ जाए तो वो कोर्ट में अवार्ड फाइल कर देगा. अब पार्टीज को तो नहीं पता कि उसने अवार्ड फाइल कर दिया. लिहाजा कोर्ट शैल सर्व ए नोटिस ऑन द पार्टीज अवार्ड हैज बीन फाइल्ड. जब दोनों पार्टियों को नोटिस हो जाएगा तो जो उसे एग्री कर रही है उसको कहेगी इसको कोर्ट रूल ऑफ कोर्ट बनाया जाए, और जो पार्टी डिसएग्री कर रही होगी वो ये कहेगी जनाब इसको रूल ऑफ कोर्ट न बनाया जाए, इसमें फना फना वजूहात की बिना पर इसको मंसूख कर दिया जाए. अब जो आर्बिट्रेटर विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट बने या आर्बिट्रेटर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट बने, अवार्ड को कोर्ट में फाइल होना है. और अगर अवार्ड कोर्ट में फाइल नहीं किया जाता तो फिर उस वक्त तक वो रूल ऑफ द कोर्ट नहीं बन सकता. जिसके हक में है वो अप्लाई कर दे या आर्बिट्रेटर खुद अप्लाई कर दे टू मेक इट रूल ऑफ द कोर्ट. आमतौर पर आर्बिट्रेटर जो है वो रेस्ट्रेन करता है, दाखिल नहीं करता है अवार्ड. फिर क्या होगा? एक शख्स ने एप्लीकेशन दे दी, इसने अवार्ड दे दिया इसको रूल ऑफ कोर्ट बनाने की, कोर्ट पर फाइल करे, वो नोटिस जारी कर देता है. वो आर्बिट्रेटर कहते हैं मैंने तो अवार्ड दिया ही नहीं है. Then what will happen? अगर उसने अवार्ड नहीं दिया तो फिर क्या होगा? अगर दे दिया तो फिर क्या होगा? अगर उसने अवार्ड नहीं दिया तो वो अगर इसमें दो चीजें, अगर वो एंटर अपॉन रेफरेंस हो गया था तो ही वॉज बाउंड टू गिव द अवार्ड विद इन 4 months. लेकिन अगर वो एंटर अपॉन रेफरेंस नहीं हुआ तो फिर उस वक्त तक उसकी लिमिट शुरू नहीं होगी. द पार्टी शुड वेट फॉर द अवार्ड. और जब वो एंटर अपॉन होगा तो विद इन 4 months उसने अपना अवार्ड दे देना. अब फर्ज करें वो एंटर अपॉन हो गया लेकिन 4 माह में अवार्ड देना मुमकिन नहीं है. द पीरियड मे बी एक्सटेंडेड बाई द कोर्ट. तो फिर आर्बिट्रेटर कोर्ट को दरख्वास्त देगा कि जनाब 4 महीने का टाइम है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू प्रोनाउंस द अवार्ड विद इन दिस पीरियड, दैट मुझे फर्दर टाइम दिया जाए. तो द कोर्ट शैल एक्सटेंड द टाइम. और जो कोर्ट टाइम एक्सटेंड करेगी तो उस एक्सटेंडेड टाइम में वो अवार्ड दे देगा. एग्रीमेंट के बाद उसने रेफरेंस पे एंटर होना है, उसने 4 months अवार्ड देना है, और जब अवार्ड कोर्ट पे फाइल हो जाएगा तब ऑब्जेक्शन अवेलेबल होंगे. और ऑन द फाइलिंग ऑफ द अवार्ड इन द कोर्ट एंड ऑन द नोटिस ऑफ फाइलिंग ऑफ द अवार्ड, ये दो अलग-अलग बात है. आर्बिट्रेटर आया, उसने कोर्ट में अवार्ड दाखिल कर दिया लेकिन पार्टीज को नोटिस नहीं हुआ तो उनका पीरियड रन करना शुरू नहीं करेगा ऑब्जेक्शन. लेकिन जब उसको नोटिस हो जाएगा कि अवार्ड फाइल हो गया है देन बोथ द पार्टीज आर अंडर ऑब्लिगेशन टू अप्लाई द कोर्ट, वन फॉर द रूल ऑफ द कोर्ट एंड द अदर फॉर सेटिंग असाइड द अवार्ड. एक पार्टी इसको खत्म कराएगी, दूसरी उसको मंजूर कराएगी. ग्राउंड स्टेज फॉर रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेटर. जब तक आर्बिट्रेटर अवार्ड प्रोनाउंस न करते उस वक्त तक उसकी रिमूवल सेक्शन 11 में की जा सकती है. इफ ही इज नॉट प्रॉपरली कंडक्टेड कंडक्टिंग द प्रोसीजर, ही हैज मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ, उसमें यह पार्शल हो गया है,
प्रॉपर हियरिंग नहीं कर रहा है, समाप्त नहीं कर रहा है, आपको सुन नहीं रहा है, आपके अंडर इन्फ्लुएंस डाल रहा है, आपको अंडर प्रेशर कर रहा है, एंड ये लूज कॉन्फिडेंस इन हिम ड्यू टू द रीजन गिवन इन द लॉ, तो फिर आप उसकी रिमूवल के लिए जा सकते हैं। और अगर आपकी रिमूवल की स्टेज खत्म हो गई, अवार्ड तो हो गया, अब रिमूवल किस बात की? बाज औकात ये होता है कि आपने रिमूवल के लिए दरख्वास्त दी, आर्बिट्रेटर आके कहते हैं मैं तो अवार्ड दे चुका हूँ, देन द क्वेश्चन ऑफ रिमूवल खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन हो जाएगा सेटिंग साइड दी अवार्ड का, कि उस आर्बिट्रेटर ने जिसको आप रिमूव कराना चाह रहे थे उसने अवार्ड दे दिया है, अब क्या हो? अब अगर उसके अवार्ड को देखा जाए तो इसके लिए दो चीज़ें अवेलेबल होंगी ऑब्जेक्टिव, एक सेक्शन 33 और एक सेक्शन 30। सेक्शन 33 में अगर आप रेफरेंस एग्रीमेंट को ही चैलेंज कर रहे हैं, आप कहेंगे जनाब हमने तो इसको रेफरी बनाया ही नहीं, हमने मैटर इसको रिफर किया ही नहीं, इसको हमने रेफरेंस दिया ही नहीं है, इसने अवार्ड क्यों दे दिया? यू कैन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ रेफरेंस एग्रीमेंट। अगर रेफरेंस एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाए तो उसकी तमाम प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग द प्रोनाउंसमेंट ऑफ अवार्ड वॉइड हो जाएंगे। दूसरी सूरत यह है कि अवार्ड को आप उसको मानते हैं कि रेफरेंस एग्रीमेंट था, लेकिन आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दुरुस्त नहीं किया और उन ग्राउंड्स में से कोई एक ग्राउंड ले लें जो सेक्शन 30 में दिए हुए हैं, ही हैज मिसकंडक्टेड, ही हैज मिसकंडक्टेड द प्रोसीडिंग, द अवार्ड इज बैड इन द आई ऑफ लॉ, इट इज इनवैलिड अवार्ड, तो वो उसको आप सेट असाइड करवा सकते हैं। अवार्ड को सेट असाइड कराने की स्टेज उस वक्त आती है व्हेन द अवार्ड इज प्रोनाउंस्ड, उससे पहले रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेटर की प्रोविजन है सेटिंग असाइड अवार्ड की नहीं। लेकिन अगर आप रेफरेंस एग्रीमेंट को ही चैलेंज कर रहे हैं तो यू मे चैलेंज इट बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ अवार्ड, उसको सुरत में भी कर सकते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब आर्बिट्रेशन थ्रू इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट हो या आउट ऑफ कोर्ट, दोनों सूरतों में अवार्ड को चैलेंज करने का इख्तियार मिल जाता है। अगर कोर्ट की इंटरवेंशन से है और कोर्ट में अवार्ड दाखिल हो गया तो कोर्ट विल इनवाइट द पार्टीज फॉर ऑब्जेक्शंस, लेकिन अगर कोर्ट की मर्जी से के बाहर हुआ है, पार्टीज की मर्जी में हुआ है, तो फिर वेन द वन पार्टी फाइल द अवार्ड तो फिर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन के लिए आ जाएगी। और अगर पहली पार्टी आती नहीं है फिर भी बहुत सी अथॉरिटीज हैं कि दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन के लिए आ सकती है, इवन इफ द अवार्ड इज नॉट फाइल्ड इन द कोर्ट, इन द पार्टी में अपीयर बिफोर द कोर्ट। अब फर्ज करें कि अवार्ड फाइल ही नहीं होता, आर्बिट्रेटर कहेंगे ना मैं तो ना आर्बिट्रेटर मुकर हुआ ना मैंने अवार्ड दिया है, देन द क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्शन विल बी कि हम ऑब्जेक्शन का क्या करें क्योंकि अवार्ड है ही नहीं। इसमें दो चीजें हैं, अगर अवार्ड है और फाइल नहीं हुआ ऑब्जेक्शन शैल बी एक्सेप्टेड, और अगर अवार्ड हुआ ही नहीं है तो दरख्वास्त इन फ्रक्चर कि जब अवार्ड आएगा यू विल हैव द राइट टू फाइल अनदर ऑब्जेक्शन। अब आर्बिट्रेटर ने कहा जना मैंने तो अवार्ड दिया नहीं है, ऑब्जेक्शन खत्म हो गए, उसके बाद वो अवार्ड दे देता है, तो वो ऑब्जेक्शन खारिज होने के बावजूद यू विल हैव अनदर राउंड कि अवार्ड हैज बीन फाइल्ड इन द कोर्ट, लिहाजा आप दोबारा ऑब्जेक्शन उसमें दायर कर, तो ऑब्जेक्शन उसमें दोबारा आ जाएगा। तो ग्राउंड ऑफ सेटिंग असाइड अवार्ड 333 में और अपॉइंट ऑफ आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट के थ्रू, और फिर उसके बाद उसने प्रोसीडिंग को कंडक्ट करना है। कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग में उसकी दो ड्यूटीज हैं, वन नंबर वन टू कलेक्ट द एविडेंस एंड देन टू हियर द पार्टीज, एविडेंस भी कलेक्ट करनी है, फरीकैन को समाप्त भी करना है। अगर वो समाप्त नहीं करता
award shall not be valid. अगर मौके पर एविडेंस रिक्वायर्ड थी और उसने एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की तो फिर भी अवार्ड मिसकंडक्टेड इन द प्रोसीडिंग्स हो जाएगा. लेकिन बाज केसेस में उसको जरूरत नहीं है एविडेंस रिकॉर्ड करने की, क्योंकि अगर उन्होंने मौका मुलाजा करके ही फैसला करना है एविडेंस की जरूरत नहीं है, देन इट इज नॉट रिक्वायरमेंट. तो लिहाजा चूंकि ये रिक्वायरमेंट उसकी नहीं बनती तो फिर इस पर वो मिसकंडक्ट का मुस्तकिल नहीं हो. इम्पोर्टेंट है, ओरल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल. पीएल 260 ढाका 255 जी साठ नंबर 255. एक अहम बात मैंने आपको आखिर में बतानी है कि अगर अदालत में मुकदमा जेर समाप्त हो तो उस मुकदमे के दौरान आउट ऑफ कोर्ट आर्बिट्रेशन नहीं हो सकती. इफ ए सूट इज पेंडिंग उसमें जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं वो इश्यूज चूंकि उन पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली है तो अब उसकी कॉग्निजेंस के दौरान किसी और जज को ये पावर नहीं दे सकते कि आप भी कॉग्निजेंस ले लें. लिहाजा इस पर सेटल्ड लॉ है कि वेयर एवर ए सूट इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट there can be no arbitration agreement out of the court in relation to those issues which are under adjudication before the court. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अक्सर ये होता है कि हम कोर्ट में पेश होते हैं मुकदमे में फिर हम रेफरी बना रहे हैं, हम आर्बिट्रेटर बना रहे हैं, हम सारिस मुकर्रर कर रहे हैं, तो हम बयान दे देते वकील, हम सारिस मुकर्रर कर रहे हैं लावा वापस. अब क्या होता है सारी फैसला नहीं करता तो दोबारा दावा दायर नहीं हो सकेगा. अगर सूट पेंडिंग है तो फिर विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट आपने आर्बिट्रेटर बनाना है. दावा जेर समाप्त है, कोर्ट को अप्लाई करें तो ये हमारी टर्म एंड कंडीशन है, ये आदमी को हमने आर्बिट्रेटर बनाया है, ये रेफरेंस होगा, एज अ कोर्ट इसकी मंजूरी. अगर कोर्ट अलाउ कर दे देन द मैटर शैल बी रिफर टू द आर्बिट्रेटर. अगर कोर्ट अलाउ न करे तो फिर आर्बिट्रेशन में नहीं हो सकते. फिर आर्बिट्रेशन कैसे होगी कि पहले दावा भी ड्रॉ करें फिर रेफरेंस एग्रीमेंट दें और फिर आर्बिट्रेटर के पास जाए. ऐसा मुमकिन नहीं है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट आप किसी आर्बिट्रेटर को मैटर रिफर कर दें विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट. उस पर कोर्ट की परमिशन है. अब दावा आपका चल रहा है, परमिशन आपको दे दी, अब दावे का क्या बनेगा? यू शुड नॉट विड्रॉ द सूट, क्योंकि अगर आपने सूट को विड्रॉ कर लिया और आर्बिट्रेशन फेल हो गई किसी वजह से, उसके ग्राउंड्स हैं रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेटर है, मिसकंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेटर है, मिसकंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग है, इनवैलिड अवार्ड है, अनलॉफुल है, इनकम्प्लीट है, नॉट कॉम्पिटेंट है, कोर्ट को रूल ऑफ कोर्ट नहीं बनाते, देयर आर 101 रीजंस दैट द अवार्ड कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड. तो फिर आप किधर जाएंगे? यू कैन नॉट बी अलाउड टू फाइल ए सेकंड सूट. ऐसी सूरत में व्हेन द आर्बिट्रेटर इज बीइंग अपॉइंटेड इन अ सूट विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रोसीडिंग शुड बी स्टॉप्ड एंड जज साइन एंड आई Till the award is pronounced and filed in the court. तो ये अक्सर गलतियाँ आमतौर पर होती हैं कि जनाब हमने सारिज मुकर्रर कर लिया है, दावा वापस दे दें. सारिज मुकर्रर हो गया, दावा वापस हो गया, सारिज का तो मैं नहीं करता, मेरे को टाइम कोई नहीं, किधर जाएंगे? You will have no way. सालबाज हो गया, collusion हो गया, there may be certain reasons. सालबाज हो जाए, पैसे खा जाए, रिश्वत ले जाए, दौड़ जाए, फौत हो जाए, then the suit will fail. उसके बाद आपको कोई राइट नहीं है. whenever
there is an appointment of an arbitrator in a pending suit, you should apply the court and seek the permission of the court, and the appointment should be made with the intervention of the court. And suit should not be withdrawn. It should be kept pending till the arbitrator pronounces his award. And when the award pronounced, then the award will be filed in that case. And then the court will see how to decide the suit in the light of the award. So this whole thing is an important thing which should be kept in mind. So I think that this is for today. जो मुझे असाइनमेंट दी गई है वो इन उर्वान आप पे होनी है तो सीपीएलसी है जी सीपीएलसी वो आर्बिट्रेशन नहीं है वो रिकंसिलिएशन है सर वो भी आर्बिट्रेशन तो बना सकते हैं वो बना सकते हैं इंटरवेंशन ऑफ ना विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट ही ना किसी भी इंटरवेंशन के जरिए बने इट्स अ मैटर इन द कोर्ट तो कोर्ट की इंटरवेंशन से बनेगी अगर आउट ऑफ कोर्ट है तो किसी की वर्सिटी भी बनते हैं उसमें तो पार्टीज ने एग्री करना है आर्बिट्रेशन विदाउट एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज नहीं हो सकता बोथ द पार्टीज एग्री टू रिफर द मैटर टू द आर्बिट्रेटर तो आर्बिट्रेशन हो सकती है और वकील के चैम्बर में भी हो सकते हैं दोनों पार्टी में बना दे एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी जरूरी है और उसके बाद डिस्प्यूट का होना जरूरी है और उसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज पूरी करने की सलाहियत होनी चाहिए पार्टी अगर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकती तो नहीं हो सकती वो भी होना जरूरी है नजर इन सूरतों में बनेगा और सबसे अहम बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जहाँ जहाँ बार है कॉन्ट्रैक्ट की वहाँ वहाँ नहीं बन सकता क्योंकि इट इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है आउट ऑफ कोर्ट करें या इन कोर्ट करें तीन चीज़ों का होना लाजमी है रेफरेंस के लिए आर्बिट्रेटर कौन सा है बंदा होना चाहिए इट विल बी रिफर टू ए मैन उसके बाद डिस्प्यूट का होना जरूरी है कि डिस्प्यूट हो किसी एग्रीमेंट का होना जरूरी है और फिर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तो ऐसी सूरत में आर्बिट्रेटर बन जाएगा अब तो अगला स्टेप तो आर्बिट्रेटर का है कि हाउ ही एंटर्स अपॉन द रेफरेंस हाउ ही कंडक्ट्स एंड हाउ ही प्रोनाउंसेस द अवार्ड और फिर वो अवार्ड कैसे होगा उसके लिए वो अगला चैप्टर फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे कि अवार्ड कैसे प्रोनाउंस होना है कितने बड़े स्टाम्प पे होना है किस तरह बनना है कैसे दिखना है कैसे दाखिल होना है कोर्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फर्दर अवार्ड जो आर्बिट्रेटर है कितनी मुद्दत का पाबंद है सर इसमें मिनिमम भी कोई टाइम पीरियड है ऑन एंटरिंग अपॉन द रेफरेंस विद इन फोर मंथ शेड्यूल थ्री कोर्ट में दाखिल करने की मियाद और है और सर आर्बिट्रेटर भी तो पार्टी को प्रबंध कर सकता है इस चीज के जो मेरा फैसला होगा नो नॉट एट ऑल सर इसमें आर्बिट्रेटर नहीं पब्लिक पॉलिसी मेरा मानना नहीं तो पाजो नहीं ये कहते हैं 15,000 रुपया आप नहीं करते नहीं करते नहीं करते नहीं करते नहीं करते सर ऐसा होता है कि खाली चेक दे लेते हैं आप कुछ डेट डेट डिस्कनेक्ट हो जाए पाबंदी नहीं होगी माही शुक्रिया सब बड़े तामर के साथ इंशाल्लाह अगले हफ्ते कोशिश करेंगे कि जो कंडीशन है वो रिमूव हो जाए और काफी लोगों की वजह से काफी मेहरबानी